हां जी ने पूछा है कि सर कैन आई कीप एंजल फिश विद ओरांडा गोल्ड एंड गोल्ड फिशेस प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए ये बहुत कॉमन क्वारी है जो कि मुझे तकरीबन रोज़ ही सुनने को मिलती है कि क्या हम गोल्ड फिश और एंजल को साथ में रख सकते हैं। तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों ही अलग बायोटोप से आती हैं, अलग एनवायरनमेंट से आती हैं, इनकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स दोनों की अलग अलग हैं और इसी वजह से इन दोनों को एक टैंक में साथ में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इन दोनों की जो ऑप्टिमम वाटर कंडीशंस हैं वो एक टैंक में मेंटेन नहीं की जा सकती। गोल्ड फिश जो है वो टेम्परेट वाटर फिश है और जो एंजल फिश है वो ट्रॉपिकल वाटर फिश है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एंजल है वो बहुत जल्दी टेरिटोरियल हो जाती है और अपनी एक टेरिटरी स्थापित कर लेती है, खासकर ब्रीडिंग के दौरान ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस दौरान अगर कोई और फिश उस टेरिटरी में आने की कोशिश करती है तो ये उस पर हमला तक कर देती है। और गोल्ड फिश हो तो नेचुरली है कि उस पर अगर बार बार हमला होगा तो आप समझ सकते हैं वो जख्मी होगी, स्ट्रेस में जाएगी और वो मर भी सकती है। तो इन दोनों को अवॉइड कीजिए, साथ में रखना।